पछतावा ही नहीं है तो दया शब्द पर इसका कोई अधिकार नहीं। आतंकवादी कृत्य करेगा और जेल में जाएगा और फिर कहेगा कि मैं तो नहीं मानता। अगर जिस व्यक्ति ने गुनाह किया है उसको अपने गुनाह का एहसास ही नहीं है, पछतावा ही नहीं है तो दया शब्द पर इसका कोई अधिकार नहीं है। जिसको गुनाह करकर अगर पछतावा नहीं होता है उसको दया का कोई अधिकार नहीं है। दया का अधिकार उसी को बनता है जो अपने कृत्य से पछतावा करता है। कोई व्यक्ति आतंकवादी कृत्य करेगा और जेल में जाएगा और फिर कहेगा कि मैं तो नहीं मांगता, मेरी मन स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है, मैंने कृत्य किया और इस पर दया की जाए, मैं सहमत नहीं हूं। सब ऐसा कभी नहीं हो सकता।